हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का इस वीडियो होने वाला है चेन ल्यूब और क्लीन के ऊपर। तो मतलब ये वीडियो में पूरा बताऊंगा कि क्लीन कैसे करते हैं चेन को, ल्यूब कैसे करते हैं इन अ प्रॉपर वे। जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ चेन ल्यूब और क्लीन करने का, वो सबसे लो बजट भी होगा और एकदम एफिशिएंट भी होगा, क्योंकि बहुत सारे मिसगाइडिंग वीडियोस भी है यूट्यूब पे, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट से चेन क्लीन कर लेते हैं, किससे भी ल्यूब कर देते। तो इसमें मैं एक प्रॉपर आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ल्यूब करना है, कैसे क्लीन करना है। तो सामान मैं यूज़ करने वाला हूँ चेन क्लीन और ल्यूब के लिए, तो ये सामान है। ये फर्स्ट है चेन ब्रश, इससे चेन इजीली क्लीन कर सकते हैं। और जो सेकंड है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये ग्रैंड पिट स्टॉप का जी रोलर है, तो इसका मैं अनबॉक्सिंग बता देता हूँ थोड़े टाइम में। और दूसरा जो है वो है मोटुल का C2 चेन ल्यूब। तो C1 जो है मोटुल का वो चेन क्लीन आता है, और ये जो C2 है वो चेन ल्यूब है। फोर्थ जो मैं चीज़ यूज़ कर रहा हूँ वो है केरोसिन, ये चेन क्लीन करने के लिए यूज़ करेंगे और ये ल्यूब करने के लिए। तो केरोसिन मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ वो भी मैं बाद में बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। ग्रैंड पिच स्टॉप का जी रोलर, तो ऐसे बहुत सारे बाइक्स है जिसमें डबल स्टैंड नहीं है, सिंगल स्टैंड ही होता है। तो ल्यूब करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। कैसा होता है कि मतलब बाइक को आगे करते 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 फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जी रोलर कैसा है, जो पैडॉक स्टैंड यूज करते हैं उससे बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, एज यू कैन सी इजिली कोई भी बैग में कैरी करके लेके जा सकता है। और पैडॉक स्टैंड कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा हैवी होता है और एक ही जगह पे रख सकते हैं, किधर टूरिंग वोरिंग के लिए नहीं लेके जा सकते, इसको कैसा कहाँ पे भी अपन लेके जा सकते हैं। तो इसका एडवांटेजेस मैं अभी आपको बता देता हूँ। समझो आपके गाड़ी में पंचर है, अगर आप KTM यूज कर रहे हो, पल्सर RS 200 यूज करते हो, डोमिनार यूज करते हो, तो उसमें डबल स्टैंड नहीं होता है, तो ये रोलर जो है बहुत ही ज्यादा सही है। और ये स्मॉल वाला है, मीडियम आता है इसमें, लार्ज आता है, तो मीडियम इसीलिए यूज़ होता है। RC 390 में मीडियम आप यूज़ कर सकते हो, और जो हायाबुसा वो सब होता है उसके लिए लार्ज होता है। तो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, मैं थोड़ी देर पहले यूज़ किया था। अभी मैं जस्ट यही प्रोडक्ट यूज़ करके आपको पूरा कैसे करते हैं ल्यूब व्यूब सब बता दूंगा आपको। चेन का क्लीनिंग ब्रश है वो भी ग्रैंड पिच स्टॉप से ही है। अगर आपको इन लोग का प्रोडक्ट कुछ भी खरीदना रहेगा तो एक कूपन कोड उन लोग ने बना के दिया हुआ है, डिस्काउंट कूपन कोड JHAMPA30 करके, तो इधर मैं मेंशन कर दूंगा। और का वेबसाइट का लिंक्स पूरे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इन लोग के पास बाइकिंग के जो एसेसरीज है, अगर आप ट्रैवल करते हो बहुत ज़्यादा, तो आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको व्हील धोना रहेगा तो भी आप ये लगा के आराम से व्हील भी धो सकते हो, ये आगे के टायर भी लग जाएगा, पीछे का टायर भी लग जाएगा। मैं अभी जो प्रोसेस में यूज़ करने वाला चेन क्लीनिंग करने के लिए वो है केरोसिन। तो केरोसिन में इसीलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि पेट्रोल भी यूज कर सकते हैं, डीजल भी यूज कर सकते हैं, बट पेट्रोल और डीजल कैसा होता है, जो चेन में ओरिंग्स होते हैं वो रबर मेड होते हैं, तो पेट्रोल ज्यादा हार्मफुल रहता है और ओरिंग्स को डैमेज कर सकते हैं। केरोसिन कैसा एकदम लाइट लिक्विड है, वोलेटाइल भी है, तो साफ करने के बाद फटाक से उड़ भी जाता है वो, तो इसीलिए केरोसिन यूज करते हैं। आपको पेट्रोल नहीं यूज करना है या फिर डीजल भी नहीं यूज करना है चेन क्लीनिंग के लिए। बहुत सारे चेन क्लीनर जो होते हैं वो केरोसिन का ही यूज करते हैं, मतलब जो स्प्रे बॉटल्स में केरोसिन ही रखते हैं उन लोग, तो इससे अच्छा केरोसिन है आप यूज करो तो चलेगा। तो कैसे भी पूरा चेन क्लीन करने वाले, तो आप ये जो कवर है ये भी आप खोल लो, ये सिर्फ 3 नट्स है 8 नंबर के, तो इधर से आप निकाल लो ताकि ये भी क्लीन कर सकते हो इजी। अभी चेन क्लीन करने के लिए ये थोड़ा सा केरोसिन इसके ऊपर स्प्रे करो, तो इधर मैंने छोटा सा होल किया हुआ है इसके अंदर ताकि इजीली केरोसिन इस पे लग जाए। क्लीन करने के बाद एक बार अच्छे से कोई भी कपड़े से इसको अच्छे से साफ कर दो। एक साइड होने के बाद दूसरा साइड ले लेते हैं। ये वाला जो चेन है, चेन का जो भी लिंक्स है जितना, ये जो अंदर का जो रिंग्स होता है, इसके अंदर रिंग्स होता है छोटे छोटे, वो अच्छे से साफ होना चाहिए। बाहर का साफ, ऐसा जरूरी नहीं कि बाहर का ही साफ करो आप, अंदर के जो लिंक्स है वो अच्छे से साफ होने चाहिए। बाहर से क्या, बाहर से तो चेन साफ ही दिखता है, बट अंदर से क्लीन रहना चाहिए, डस्ट वॉश या मट्टी नहीं रहना चाहिए उसमें। और अभी ये वाला जो पार्ट है ये वाला पूरा क्लीन कर देता हूँ मैं, ये चेन का जो स्प्रॉकेट है और आगे का भी स्प्रॉकेट जो है वो क्लीन कर देता हूँ आगा। तो अभी एक चीज़ ये ब्रश में अच्छा दिया हुआ है कि समझो आपको ये स्प्रॉकेट का ये साफ करना है तो इजीली ऐसा क्लीन हो जाएगा इससे।
श्योर कि आप चेन क्लीन करने के बाद किधर चले मत जाओ फटाक से, चेन को क्लीन करने के बाद ल्यूब करना ही चाहिए। और ल्यूब कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो मैं ये वाला ल्यूब यूज कर रहा हूँ, ये है मोटुल का MC-C2। नो रिंग्स को सपोर्ट करता है, ओ रिंग, एक्स रिंग और जेड रिंग। तो तीन टाइप के रिंग्स के चेन आते हैं, ओ रिंग, एक्स रिंग, जेड रिंग। मेरे में ओ रिंग है जो स्टैंडर्ड होता है, वो ओ रिंग होता है। एक्स रिंग उससे अच्छा होता है, बट ये जो पल्सर आरएस 200 है उसके लिए एक्स रिंग अवेलेबल नहीं है। KTM ड्यूक 200 उसके लिए एक्स रिंग अवेलेबल होते हैं। तो ये जो बाहर का है वो चेन का कवर है, इसके अंदर जो है वो रिंग्स होता है जो इसके साथ, जो ये स्प्रॉकेट है इसके साथ मैच करता है। तो इसको अच्छे से ल्यूब रहना चाहिए, अगर ल्यूब नहीं रहेगा तो ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, फ्रिक्शन की वजह से आपके इंजन पे लोड आएगा, अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं मिलेगा और इतना अच्छा माइलेज भी नहीं मिलेगा। तो ल्यूब कैसे करते हैं वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चेन ल्यूब को एकदम चेन के ऊपर मारो, क्योंकि लोग कैसे होते हैं कि चेन लूप को ऐसा बाहर मारते हैं, तो ये बाहर मारना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि बाहर मारोगे तो आप चेन लूप पूरा उड़ने ही वाला है। तो चेन लूप को अंदर मारो ताकि अच्छे से ये स्प्रॉकेट के साथ मैश होकर अच्छे से लुब्रिकेट हो जाएगा चेन। तो अभी मैं चेन लूप करके बताता हूँ आपको, बस इवनली मार दो ऐसा सब जगह पे। इनका जो साउंड है, चेन का जो साउंड है वो एकदम कम ही आ रहा है, मतलब पहले आता था थोड़ा सा चिक 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 चिक, अभी एकदम कम हो गया है, मतलब एकदम प्रॉपरली ल्यूब और क्लीन कर चुके हैं। जैसे कि आपने देखा चेन क्लीन और ल्यूब का प्रोसीजर एकदम इजी है, जैसे मैंने बताया केरोसिन से क्लीन करो आपका चेन को, और जो चेन है उसको आप घर के जो ब्रश है उससे चेन क्लीन नहीं कर सकते हो। ये जो ब्रश मैंने बताया इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप जाके चेकआउट करो। इसका जो ब्रश का मटेरियल होता है वो एकदम हार्ड होता है, और घर वाले जो मटेरियल होता है दांत के लिए बना होता है तो उसके लिए सॉफ्ट होता है। आप जरा सा भी यूज करोगे तो एक ही बार में आपका वो जो घर का ब्रश होता है वो एकदम खराब हो जाएगा। स्टैंड नहीं रहेगा तो जीरो रोलर यूज ही करो, मैं तो वही डेफिनेटली आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि पैडॉक स्टैंड कैसा होता है महंगा भी होता है। पैडॉक स्टैंड कम से कम आता है 4000 का, ये है 1300, मतलब डबल से भी कम इसका प्राइस है। और कहाँ पे भी लेके जा सकते हो, राइड्स पे भी लेके जा सकते हो, इजीली पंचर रहेगा, कर सकते हो, ल्यूब करना है कर सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पेट्रोल से कभी आपका चेन क्लीन मत करो, या फिर चेन क्लीनर खरीद लो चलेगा, बट केरोसिन तो ज़्यादा सस्ता है, कहाँ पे भी अवेलेबल हो जाता है केरोसिन। कट के टाइम एक क्लॉथ रखो अपने साथ में ताकि यहाँ ज़्यादा गंदगी ना हो। गाइस आज के इस वीडियो के लिए आई विल मेंटेन का माय वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड डू वॉच इट आउट टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।